आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था में पिछले एक माह से यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, जिससे सेगांव सहित आसपास के ग्रामों के किसान परेशान हो रहे हैं। मजबूरन उन्हें यूरिया खाद के लिए जगह जगह भटकना पड़ रहा है। वहीं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मंडलोई ने बताया कि सरकार की दोषपूर्ण नीति के कारण बाजार से खाद खरीदना पड़ रहा है। हमने यूरिया खाद को लेकर उच्च अधिकारियों से बात की, जल्दी ही खाद उपलब्ध कराने की बात कही है। अगर एक सप्ताह में किसानों को खाद नहीं मिलता है तो ब्लॉक कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन और जरूरत पड़ी तो चक्का जाम भी किया जाएगा। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आदिम जाति संस्था में पिछले एक माह से यूरिया खाद नहीं है, किसान परेशान हो रहे, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हमने यहाँ स्थानीय आदिम जाति संस्था में आए थे और जानकारी निकाली तो यूरिया करीब एक माह से नहीं किसानों को मिल रहा है। इस बाबत हमने जिला स्तर पर अधिकारियों से भी चर्चा करी तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि यूरिया जल्द से जल्द आने की संभावना है, जो कि ये मध्य प्रदेश शासन की जो दोषपूर्ण नीति है, हमारा जो कांग्रेस की सरकार रही और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुभाष यादव जी के टाइम में यूरिया बाजार में नहीं बिकता था, तब मध्य प्रदेश शासन की दोषपूर्ण नीति से आज हमारे किसान खासतौर से यूरिया के लिए परेशान हो रहे हैं और बाजार महंगा खाद खरीदने के लिए मजबूर होते हैं। इसलिए शासन इस पर ध्यान दें और जल्द से जल्द किसानों के लिए यूरिया उपलब्ध कराएं। एक सप्ताह के अंदर अगर यूरिया खाद नहीं मिलता तो आप क्या कदम उठाएंगे? अगर एक सप्ताह में यूरिया खाद नहीं उपलब्ध होता है तो हम लोग यहाँ धरना आंदोलन करेंगे, हो सका तो चक्का जाम भी करना पड़ेगा, लोग बताएंगे। क्या नाम लिखता? नारायण सिंह मंडल, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।